अभी अभी जस्ट ही उठाया कुछ 12 बजे के आसपास, और उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और रात को तो कह रहा और भी तेज दर्द हुआ था, तो ये पेन किलर लेके सो इसका मुंह देखो बेचारे का कैसा होगा। क्या हो गया तो मुंह पे लगी या पैर पे लगी, दोनों ही सूझ रहे हैं। तेरा पैर दबा देती हूँ रात को तो बहुत। हाँ बताओ क्या, रात को बोलते क्या बोलते, पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा देती हूँ। और मैं एक बार गलती से इसके पैर पे गिर भी गई सुबह 4 बजे। हाँ इतनी तेज दर्द हुआ, मैंने भानु को उठाया, मैंने पंखा ये सब बंद कराया, मेरे बुखार जैसा लगने लग गया दर्द से। तो तू सुन सुन मेरी बात सुन, तो अभी जा डॉक्टर के, मक्के का पानी और डाल यार, बहुत ज्यादा गर्म है। दोस्तों ट्राइपॉड मेरा सहारा बन रखा है, मेरे क्या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इस पैर को नीचे रख नहीं पा रहा हूँ मैं। देखो मो चाहिए शायद, चल चल बस अब बैठ जाओ, पहले चाय पी ले फिर दवाई ले दे और फिर डॉक्टर के चलते हैं। आराम से आराम से। देखो क्या करवा दिया आपने, यहाँ मैं डॉक्टर के जाने के लिए खड़ा हूँ और देखना क्या कर रही है। सूरज देख, अरे बेशरम, जस्ट टेलिंग यू नो, मेरे सच में इतना तेज दर्द हो रहा है, पैर में मेरे कभी इतनी तेज मोच नहीं आई जितनी तेज आज आई है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा, और इस पैर का मूवमेंट ही नहीं हो रहा आगे पीछे इधर उधर कुछ भी। मैं डॉक्टर ही जाता नहीं क्योंकि मोच लगने पे मैं कभी गया नहीं है चोट वोट लगने पे, लेकिन ना इतना तेज दर्द मेरे कभी हुआ नहीं। पैर लाल हो रहा है, सूज रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें यार। तुझे मना किया था ना मैंने बॉक्स क्रिकेट खेलने जाने को, बोल तूने टोक दिया था ना इसलिए गड़बड़ हुई है। सही बात है, सब तेरी गलती है। मैंने इसको बोला मैं क्यों फालतू में जा रहा है, तूने 5 दिन 7 दिन जो भी जिम कर लिया, आज रेस्ट कर ले। नहीं मैं और अंकल जी आ गए। आप आ गए भाई, क्या कर लिया? आईपीएल ट्रॉफी ले आए? आईपीएल ट्रॉफी ले आए, ट्रॉफी की शक्ल तो दिखा दो देखो कैसी। गाइस एक्सरे आ चुका है और डॉक्टर अब चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब सही है, सब सही है ना, सब सही है, सिर्फ मोच आ गई शायद। दवाई दवाई भी बता दो फिर आप ही। दवाई पेन किलर लो, कॉम्बी बना दो, गरम पट्टी बांध लो। डॉक्टर को दिखाकर आ गए हैं और डॉक्टर ने वैसे तो बोला था 15 दिन का प्लास्टर बांधना है क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, बस क्या क्या बोलते हैं उसको, मांसपेशियां, हाँ मतलब मांसपेशियां से कुछ करके उन्होंने बोला था कि मोच आई हुई है बेसिकली, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की है। तो उन्होंने बोला था कि 15 दिन का एक प्लास्टर बंधेगा जिससे आप चल फिर पाओगे हल्का फुल्का, बाकी ठीक हो जाएगा। बाकी उन्होंने बोला कि पहले एक बार 2-3 दिन दवाई ले लो, और उन्होंने ये पट्टी बांध दी है, हाँ तो उसका अगर रिलीफ होता तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन का एक प्लास्टर बंधेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे 15 दिन में। सो दवाई भी 15 दिन की दे दो, 15 दिन मेरे उचक नीचक जाने वाले हैं। और गाइज हमें ना जैसे आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो, यशी को हमने, यशी को, अभिषेक को, हमने सबको बोल दिया है, हितेश को भी, कि मेरी बोन शिफ्ट हो गई है और 1 महीने का प्लास्टर बंधेगा, ऐसा बोल दिया मैंने। और अभी के लिए मैंने उसको ये बोल दिया कि मैंने कहा यार यशी मुझे ना डॉक्टर में बिलीव नहीं हो रहा अभी, मैं तो वापस आ रहा हूँ फ्लैट दवाई लेके, किसी और डॉक्टर के चलेंगे अपन। बाकी मैंने उनको एक्सरे वगैरह पे ऐसे पॉइंट आउट करके दिखा दिया, बोले ये देखो गैप दिख रहा है, हड्डी बोन शिफ्ट हो गई, ऐसे करके तो उनके साथ प्रैंक करेंगे आज। देखो गाइस ये लंगड़ी करता हुआ चलना पड़ रहा है मुझे, ये लोग कहाँ पर है सब, मेरे तो हो गए 10-15 दिन खराब। क्या कर रही है तू? मैं तो वीडियो शूट कर रही थी। हो गया देख फ्रैक्चर हो गया, बोन शिफ्ट हो गई, देख दिखाऊं तेको, वो देना एक्सरे। मुझे लगा ही था ना कि इधर ऐसे मोड़ा था ना पैर, तो इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। जा देख मैंने तेको मार्क करके दिया था ना, ये वाला, हाँ ये वाला है, ये वाला, ये वाला हो गई बैंड। मना किया था तेरे को जाने के लिए, प्लास्टर बंधेगा 15 दिन का। अब बता तू है ना, तू अगली बार से कभी जीवन में मेरे बात करो, मना किया ना वही तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तेरा फ्रैक्चर पहले मैं कर दूंगी। बाप रे देख लिया, अंकल को दिखाया, बोला कोई फ्रैक्चर नहीं है, ऐसे ही सब सही है। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला हड्डी गई, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टूटी वूटी नहीं, वो थोड़ा सा वो तो हाँ मुझे दिख रहा है शिफ्ट हो गई है। हाँ उस चक्कर में बंधेगा, तो अभी तो हम लोग नहीं बंधवा के आए, उन्होंने बोला कि एक बार 2 दिन दवाई वगैरह खाओ, थोड़ा रिलीफ होता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत आ जाना फिर। तो ये उन्होंने अभी तो एक ये बांध के दिया, बांध दे रहे थे। अच्छा बोले तो बंधवा लो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो प्लास्टर बंधवा लो 15 दिन का, उसमें आप चल फिर सकते हो, या फिर पट्टी बंधवाओगे तो एक ही जगह बैठा रहना पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं पड़ेगा, और वॉशरूम में जाओ तो ये लंगड़ी टांग, इस टांग को हिलाना भी मत। तो यार वो सही, देख अगर क्या होगा इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये इधर उधर और खुसक खुसक जाए, फालतू में दिक्कत हो जाए, वैसे दर्द हो रहा है। 15 दिन का तो वो लेके चल रहे हैं, ये 1.5 महीने तक भी जा सकता है, पेंट्स की रिकवरी कैसे होती है ये सच में, तोड़ दूंगी तेरा मुंह। हाँ मुंह और तोड़ दे, कल तू गिरी थी इसके ऊपर जब से खिसक गई ये, पाटा गिर गया ये। हाँ सारी मेरी गलती, देखो सिचुएशन कुछ भी, गलती क्या किसकी होती है। अब क्या सीन है, अब तो क्या सीन है, मैं ऐसे ही पड़ा रह सकता हूँ बस। नहीं
वो तो इसमें नॉर्मल डेज में रम्मी क्या फर्क है? पैर ही नहीं रखा जा रहा नीचे, आपकी तो बहुत बड़ी वाली, तो इसमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तेरे काम करते हैं, हम थैली बांध देते हैं, तू नहा ले इस पे थैली, इसके ऊपर थैली के ऊपर से रबड़ बांध देते, ये कहां से आएगा? हमारे घर वाले ऐसे करते थे। या फिर एक और ऑप्शन, कुर्सी ले जाओ उधर, कुर्सी बैठ के ना मुझे पैर में किसी लग लुगा जाती थी, जैसे मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ ना जितनी बार भी, तो मुझे कुर्सी पे बैठ के नहलाते थे। जहाँ भी मेरे को टाके वाके अगर आ रखा है तो उस चीज को उससे कवर करके और फिर करते थे। इतनी जी यार तुमने क्या करवा दिया मेरे यार, तेरे को ध्यान रखना चाहिए था मुझे। कूते का स्पाइडरमैन बन रहा है, बोला सही से खेल ले। सर तेरी वजह से हुआ है सब, पे लगी पता मुझे। अरे तू तो बड़ा प्लास्टर बन रहा था ना, अभी बंधवा के नहीं आया, दो तीन बाद बंधेगा। नहीं 15 तो उन्होंने बोला कि इतना तो मिनिमम बंधेगा, मतलब पंडित जी को दिखाना पड़ेगा। देख भाई मेरे लिए जूस लेके आए, देख एक तेरा और एक मेरा। हाँ दोनों का ही है भाई, सब मेरा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। मैंने देखा मना किया था कि मत जा, मैं भी इसको बोल रहा था मत चल, खेल भी नहीं पाएगा सही से। सही बात है भाई, भाई चलूंगा, क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है यार, हो रही थी इच्छा यार। एकदम स्पेशल जूस बना के लाया, उसको बोला हल्दी डालना इसमें, पाँव ठीक हो जाए। गाइस आप भी प्लीज इसको गेट वेल सून बोल दो ताकि जल्दी ठीक हो जाए। किसी भी चीज से ज्यादा तेज असर इनकी बोलते ना ब्लेसिंग्स करती है, दुआ। यस नहीं सच में करती है। गाइस वैसे तुम्हें बता दूं आपको, मेरे 15 दिन लंगड़ी टांग खेलते हुए जाएंगे। तू है ना मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं इतनी भयंकर दुआ। कालू कह रहा है मैं कोई ब्रांड का शूट करके आ रहा हूँ, मैसेज आया कालू का। कालू कह रहा है फोन कर, तो सब लोग कल थे ना तेरे साथ घटना स्थल पर। मैं सब बात करना चाह रहा हूँ कि सालो मनोज कौन है तुम में से, मुझे पता लगाना है। मैं देख, मैं तो हरदम रहा तेरे साथ, मैं तो नहीं हूँ। कल कालू भी आया था ना, रुक जा गई है ये, मौजूद ही नहीं थे, हम तो मौजूद भी नहीं थे, और हमने तो उस स्थल पर जाने को भी मना किया था। ये कालू गया आज भाई, भैया पैर की क्या कर लिया यार, पता नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, एक जगह टिक भी नहीं सकते तुम लोग। भाई कैसे माँ बेटी दोनों एक सी डायलॉग दे रही है। मम्मी इसको कल मैंने बोला, मैंने कहा क्या करेगा तू बॉक्स क्रिकेट खेल के, लेकिन अगला माना ही नहीं। बताओ अंकल एक हफ्ते के लिए क्या चले गए बाहर, कैसे सूख गई यार ये तो। यार मम्मी सर बहुत ही पतला लग रहे हो। हाँ। तबीयत खराब चल रही सही, लेकिन आप अच्छी लग रही हो, मोटी नहीं लग रही। अरे नहीं यार कमजोर सी लग रही मुझे तो, तबीयत सही नहीं चल रही अभी, मैंने मेरी खुद की भी नहीं चल रही यार। अंकल बताओ यार एक हफ्ता आप बाहर चले गए, देखो पूरा सूख गई। कहाँ सूख गई तेरे को, कहाँ सूखी सूखी नजर आ रही है। अरे सूख तो गई यार, कितनी कमजोर हो गई, बाहर आ रही है देखिए ना। अंकल खुद भी सूख गए थोड़ी। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला प्लास्टर चढ़ेगा, चैन भी पड़ा होगा रात को तेरे को। रात को तो भयंकर दर्द हो गया। मम्मी रात को दम में इसके पैर पे गिर गई। हाँ उस पे गिर गई, यहाँ बैठा और दम से इस पे कूद गई। पागल लगता है इनका। तो इसको जभी तो मैंने कहा तू दूर रहना मेरे से 15 दिन। ये दोबारा भी गिर सकती है इसका। हाँ तो जभी तो इसका भरोसा। अरे यार वो भी पता क्या हुआ थी, चढ़ी थी हंस रहे थे, चल रही थी मैं खूब हंस रही करके पड़ गई। कूदने से सही हो गया, कूदने से सही हो गया। पागल मैंने तेरे कष्ट सही कर दिए इस पे गिर के, पागल ऐसा सही करा। 4:30 बजे बानो को मैंने जगाया, यहाँ पर गर्म पानी में इसको सेक किया, उसके बाद पेन किलर खाई, तब जाके इसको टॉवल से लपेट के एक स्टैंड बनाया इसका यहाँ पर पैर सीधा रखने के लिए, फिर जाके नींद आई। नींद तो आई ना। हाँ नींद आ गई थी। तो प्लास्टर फिर आज ही बनवा देते कहीं यार। अंकल बोल रहे थे कि बोले अभी मैंने ये कहा क्या माइनर फ्रैक्चर है। अच्छा माइनर, माइनर फ्रैक्चर है तो मैंने कहा भाई अगर ये गरम पट्टी लगा लो, पेन किलर ले लो, अगर उससे ठीक हो जाता है ना दर्द में रिलीफ। अब बताए वहाँ पर क्या सीन, वहाँ बैठे बोले यार इसने तो 600 रूपए ले लिए एक्सरे के। एक्सरे के बोल 600 रूपए, अच्छा माँ का एक्सरे कराया था 300 रूपए दिए थे मैंने एक्स्ट्रा। वहाँ पर ये मुझसे बोले ये तो गलत आ गए, इसीलिए मैंने प्लास्टर भी नहीं कराया, बोले इससे भी अभी लड़ लेंगे। इतने का काया का प्लास्टर, 4 पट्टी तो बांध रहे हो। पहले एक और डॉक्टर को दिखा फिर लगवा ले प्लास्टर। भाई साहब वहाँ पर यार भाई कि अगर देखो नीड होगी तो करेंगे प्लास्टर का। अगला दुखी पाए जा रहा प्लास्टर बंधवाया तो बेटा तू तो। हाँ यार मैं भी ऐसे ही बोल रही थी प्लास्टर तो बनवाया, क्या गलती की गलती, बिल्कुल एंड होके बैठ जाएगा प्लास्टर में। पर डैडी उसमें मूव तो कर पाएगा, तो बहुत दर्द हो रहा है। पैर तो सुधरेगा बच्चा, तो पैर तो सुधर जाएगा। उसने कहा अभी इसके आई सेक करो और पेन किलर लो, अगर पेन में रिलीफ मिल जाता है ना तो ये वैसे ठीक हो जाएगा। माइनर है, बड़ा फ्रैक्चर नहीं है। अच्छा वैसे ये भी देख फिर सही है, फालतू में क्यों अपन प्लास्टर लगा। प्लास्टर 1 महीने का प्लास्टर चढ़ जाएगा फिर। हाँ, वो तो एक भयंकर चीज है, वही पोटी करो वही सब सूसू। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा चल तो लेते हैं क्या, ऐसा प्लास्टर में बैठे ही रहते हैं। अगर ठीक हो जाता तो बढ़िया ना, दवाइयों से फर्क आ जाएगा। हाँ दवाई 4 से स्टार्ट हुई ना, देखो दवाई खा के फर्क आ जाता है। और एक थोड़ी जो है ना वो साइकोलॉजी चेंज करके मेरे फ्रैक्चर है। अच्छा तो थोड़ा बहुत हाँ बताओ क्या कह रहे। अरे इसी पैर पे जोड़ दे और लंगड़ी टांग चल रहा है, लंगड़ी टांग में फर्स्ट आएगा क्या।
बैठे बैठे भी नहीं हिल रहा यार, तू क्या कर रहा है, सीढ़ी उतर रहा था, इस पे जोर दे इस पे। अरे मैंने कहा अंकल रखा भी नहीं जा रहा है, नहीं जोर नहीं दे, मतलब इसको थोड़ा सा काम में ले। इसको मैंने ऐसे रखने के बाद अगर से उठा भी रहा हूँ ना तो भी मेरे दर्द हो रहा है। दर्द तो अभी होगा जब पेन किलर ले लेगा, लेकिन थोड़ी साइकोलॉजी चेंज कर कि मेरा फ्रैक्चर है, कुछ भी नहीं है फ्रैक्चर फ्रैक्चर, यूं दिमाग में रख ठीक है। हमारा फेस का वो है जिससे हम आइस लगाते हैं फेस पे, हाँ निकाल, इससे थोड़ा दम लगता है यार, बहुत ठंडा है ये तो इसमें अंदर आइस जमी हुई है ना। कितने का आया बता, कितने का आई? अब इससे हम फेस पे यूज करते हैं, ये पैर पे यूज करेगा, ये इससे ठंडा भी नहीं लगेगा। ₹3,500 रुपए इसमें क्या है भाई, 3,000 का अब जो है सो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो ऐसे सिंपल सा है। अरे वो कुल्फी जमाने वाले सांचे नहीं होते क्या? सही तो है, कुल्फी वैसे तो लाए हम। 200 रुपए का है, झूठी तो महंगा ले लिया यार, 200 रुपए का है। हेलो चलो चले आप लोग, पैर तो पड़ गई रात ने, अरे भूल हंसते हंसते पड़ गई, अरे कोई तो बात हो रही थी भयंकर। ये भी आपके पैर पे गिर गए थे? मेरा पैर तो जाए मजा लगे यार, ऐसे डांटती है मेरे को। मेरे दोस्तों अभी भी फ्रैक्चर का प्रैंक चल रहा है और अंकल हमारी टीम में है तो उन्होंने खुद ने सामने से बोल दिया माइनर फ्रैक्चर है ऐसा करके। हितेश जी भी मेरे लिए जूस इसलिए लेके आए, उसको लगा भाई फ्रैक्चर हो गया, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। भाई प्रैंक जा रही है, अभी कालू भी आ रहा है, उसको तो सब नाम उस पर लगेंगे। बुलाया मैंने उसको, मैंने कहा भाई यार हड्डी की सब्जी जल्दी आ। और माता जी नमस्ते आंटी, आज तो पूरी बैंगन लग रही एकदम सही बोला यार, कभी बैंगन कभी टमाटर, टमाटर तो रेड सूट का ही मैंने मना किया था उसको, अनुज को मैंने मन जाए नहीं, भैया जा रहा है तो मैंने अब दो तो उसमें तेल में दूंगी, दो जाके उसमें दूंगी, अब बोलो भाई ना क्या करेगा जब थ्री। वो मेरी मम्मी भी ये बोल रही है क्यों हाड़ घोड़े फुड़ाने गए थे, सही बात है। जब तुम्हें काम से फ्री हो जाए तो घंटे आधे घंटे आराम भी कर सकते हैं, घर के लिए तो आने के लिए टाइम नहीं है, मैं मैच खेलने अब जाइए तो बॉल तोड़ दो। अरे गलत बोल दिया आपने, जब तुम आराम कर सकते हो तो एक दो घंटे काम भी कर सकते हो इसके लिए। जल्दी से आइसक्रीम बर्फ जो भी है सब लाओ, इनका दिमाग का सेक करो। आमरस पे आमरस पे दिमाग ठंडा हो जाएगा थोड़ा। अरे वो यार यहाँ क्या कहीं पे भी पटक देता है हमारे यहाँ पर साइड में। पूरे दिन भाई घास रखा था, फेंक आया तेरा तो भी पड़ा है वहीं पे। कहाँ रखा है? कुछ भी नहीं रखा वहाँ पे, जा ढंग से देख। अभी रखा हूँ उठ के यार, अभी यार ऐसे कर दिया साइडों में पटके। भाई मम्मी बताओ यार कोई गलत बात है ना, पलंगों के नीचे बर्तन सरका जाता है बस। आंटी को पता है, सही बन गया आंटी, अच्छा बना। आंटी का मुंह तो अजीब सा बनाती थी। नहीं नहीं सब जब बोल लगे, नहीं नहीं अच्छा बना है। सॉरी है क्या तेरी? देखो मम्मी के फोन में छेद है जहाँ पे लिखा हुआ बैंक। मैंने बताया था ना उस दिन। और तू देख, तू देख पर्स होने के बावजूद। हाँ तो ये दोनों पॉकेट भरी हुई हैं दवाइयाँ पैसों से। हाँ पैसों से भरी हैं, जो नहीं होंगे कि पैसे नहीं है मेरे पास। भाई मेरे को सब कुछ दे रही है माता रानी, अब टेंशन नहीं है। अब बेचारा कोशिश कर रहा है, लड़के बात ही नहीं करती इससे, बात ही नहीं करती, एक ही करती है एंजल प्रिया, एक करती वो भी लड़का निकले। तू कहोगे इनके साथ यार गाइस, एक सब जगह तो ठीक चलो, यहाँ पे मैंने एक इंसान को बोला था कि आ जा, कालू भैया को सुबह बोला कि बस वीडियो बना के आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया और अभी किसी का फोन भी नहीं उठा रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहा। इतना बेकार आदमी है ना, इसकी तो खैर नहीं है, ये फ्लैट पे आएगा तो खाने को कुछ नहीं दूंगा मैं जिंदगी में, फिर ही खत्म, इसको खाने को कुछ नहीं दूंगा। अब जो महीने में एक बार ही आता है, अगले महीने मिलेगा हमारे को, मिला बात ये मेरी चोट लगी वो फिर भी नहीं आया, अब गेम खत्म है भाई उसका, अब गेम बजाना पड़ेगा। यार यशी यार इतना एक बात बात बतानी थी, क्या हो गया ऐसे आएगी तो क्या बात बताऊंगा, अरे बता ना हितेश जी को, हितेश जी की बात है। तो गाइस मुझे इन सबको एक चीज बतानी, मैं सोचा था कालू आएगा तब बताऊंगा, लेकिन कालू आया नहीं, तेरे को प्लास्टर नहीं बना रहा, बोल बोल नहीं किसकी फ्रैक्चर हुआ है। हे भगवान, मौज चाहिए तो मौज थोड़ी ज्यादा आई है इसकी। मार्गाट में। तो हमने सोचा यार प्रैंक कर लेते हैं तुम्हारे ऊपर। यू आर सो फ्रिकिंग, आई जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड विद व्हाटएवर थिंग, यू आर सो फ्रिकिंग इररिस्पांसिबल, शट अप, बदतमीज इंसान है यार ये। डांट भी इंग्लिश में रही, फर्क ही नहीं पड़े। हिंदी में बहुत ही बदतमीज है।
ये मम्मी को तो पता है कुछ नहीं हुआ इनके। अंकल भी थे हमारी टीम में। हाँ आपके डैडी। हाँ डैडी तो हर चीज में होते हैं सब तो। वैसे मेरे उस बूथ वाले में भी डैडी को अपनी साइड में लिया तुमने। तेरे पापा थे साथ में उन्होंने। चुप कर। माइनर फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर। अरे यार मैंने कहा थोड़ी सी मस्ती मजाक कर दो तुम्हारे। चुप कर। हाँ भी बकवास करता रहता है। गाइस अभी जो हिंदी में गाली हुई। ये 22 साल बता रही हूं। YouTube सबको सुधार रहा है, सबको अच्छी से गाइस। तू पता नहीं कहां से फालतू प्रैंक देख देख के कर रहा है, बकवास कर रहा। अरे मैं कौन देख के थोड़ी कर रहा हूं, मुझे लगी हुई थी उसने उन्होंने बोला वैसे प्लास्टर के लिए 15 दिन के प्लास्टर प्लास्टिक वाले रहेगा। झूठे भगवान से तो डर लिया फिर। सॉरी ये तेरी तो इंजीवल की। चुप कर। अरे यार भैया यार कोई सेंस का नहीं था वैसे तो। और देखो एक चीज और, मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। सबको बता दे कि भाई मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ। बोले इनको फर्क नहीं पड़ रहा, टूट गई पड़ा रहेगा साइड में। ये ध्यान कम खाएगा।